हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मलुका आईएएस। वी आर हियर फॉर डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस इन विच वी आर गोइंग टू कवर द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, पीआईबी एंड अदर रिलेवेंट सोर्सेस। इन सेक्शन को कवर करने के बाद आपको करंट अफेयर्स के लिए किसी और सोर्सेस पे जाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज वी आर कवरिंग वेरी कॉम्प्रिहेंसिवली ऑल द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ फॉर करंट अफेयर्स। So today we have in economic section, we have recently what happens, RBI excludes six state-run banks from the second schedule of RBI Act 1934 from live mint. In this section, we are going to discuss second schedule of RBI ke provisions kya hain, क्यों ऐसा हुआ कि six state-run banks को हमने exclude कर दिया है RBI ने. Next we have indices committee report organization, in which we are going to cover food and agriculture organization from the Hindu. Next we have India and global hunger index 2020, in which hame dekhna hai ki global hunger index ki jo abhi report release hui hai usme India ki rank kya hai, kaun ise publish karta hai, global hunger index ke parameters kya kya hote hain, kin kin parameters pe hum isko measure karte hain. So these are the point that we are going to discuss in this section. Next we have स्कीम पॉलिसीज इनिशिएटिव सोशल इशूज। दिस पॉइंट टॉपिक टूडे वी हैव इन दिस सेक्शन इज कला संस्कृति विकास योजना फ्रॉम पीआईबी। सो लेट्स स्टार्ट। सो रिसेंटली व्हाट हैपेंस, आरबीआई एक्सक्लूड सिक्स स्टेट रन बैंक फ्रॉम सेकेंड शेड्यूल ऑफ आरबीआई एक्ट 1934 से। सो बेसिकली इसको हटाने का मेन रीजन क्या था कि जो मर्जर हमारे बैंक्स के हो रहे थे, बिकॉज ऑफ दैट आरबीआई ने सिक्स स्टेट रन बैंक्स जो थे उनको सेकेंड शेड्यूल से रिमूव कर दिया, एक्सक्लूड कर दिया है बेसिकली। सो ये सिक्स बैंक्स कौन कौन से थे, लेट्स सी। ये सिक्स बैंक्स आपके हैं सिंडिकेट बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, आंध्रा बैंक, कॉरपोरेशन बैंक एंड वन इज अलाहाबाद बैंक। These are six banks जिसको आरबीआई ने सेकेंड शेड्यूल से रिमूव किया है रिसेंटली। सो सेकेंड शेड्यूल के किसी भी बैंक, अगर कोई कॉमर्शियल बैंक है बेसिकली, उसको कॉमर्शियल बैंक अगर सेकेंड शेड्यूल में है वो, तो उसको हम लोग शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक बोलते हैं बेसिकली। कोई भी बैंक अगर आरबीआई एक्ट 1934 के सेकेंड शेड्यूल में है तो इट इज नोन एज शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक। शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक के बेसिकली कुछ क्राइटेरिया होते हैं, उनको शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक को मतलब कैटेगराइज करने के लिए कुछ क्राइटेरिया होते हैं। ये क्राइटेरिया बेसिकली दो क्राइटेरिया होते हैं, फर्स्ट इज कोई भी बैंक अगर शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक की कैटेगरी में है उसके लिए फर्स्ट क्राइटेरिया ये होना चाहिए कि वो सेकेंड शेड्यूल ऑफ आरबीआई एक्ट के अंदर होना चाहिए। द सेकेंड पॉइंट, सेकेंड क्राइटेरिया क्या है, पेड अप कैपिटल एंड रिजर्व, पेड अप कैपिटल एंड रिजर्व 5 लाख एटलीस्ट होने चाहिए, राइट। सो कीप इट इन योर माइंड कि दो क्राइटेरिया कौन कौन से शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक के कैटेगराइजेशन के, वन इज वो सेकेंड शेड्यूल ऑफ आरबीआई एक्ट के अंदर कैटेगराइज होना चाहिए एंड द सेकेंड पॉइंट वी हैव इज कि जो पेड अप कैपिटल या रिजर्व्स है उसका 5 लाख एटलीस्ट होना चाहिए। सो दिस इज वॉट, लेट्स नो समथिंग अबाउट द फीचर्स ऑफ द शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक। फीचर्स क्या क्या होते हैं, बेसिकली दे आर वेरी फाइनेंशियली साउंड बैंक जो यू नो डिपॉजिटर के जो इंटरेस्ट होता है उसको प्रोटेक्ट करते हैं। कुछ और पॉइंट्स अगर हम देखें तो बेसिकली दे मेंटेन CRR एज RBI प्रिस्क्राइब। CRR बेसिकली एक अमाउंट होता है जो बैंक RBI को यू नो एक अमाउंट डिपॉजिट करता है कैश के फॉर्म में, जिसे वो किसी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी क्राइसिस के समय पे यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव दे कैन यू नो दे कैन डू इंटरबैंक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन भी वो कर सकते हैं। सो ये कुछ फीचर्स है जिसको आपको ध्यान रखना है, दैट फर्स्ट इज कि ये फाइनेंशियली साउंड बैंक होते हैं, सेकेंड ये CRR को मेंटेन करते हैं, थर्ड यू नो इंटरबैंक ट्रांजेक्शन कर सकते हैं और RBI से ये पैसे भी ले सकते हैं। They are categorized in 5 groups basically. One is SBI, second is Nationalized Bank, RRB,
foreign bank and other Indian scheduled bank. So this is what we have in this section. Let's see. As we know that it is known as a scheduled commercial bank. Agar koi bhi bank second schedule mein hota hai. Kaun kaun se bank, kis kis bank ke saath merge hue hain? Let's see. OBC and United Bank of India merged into the Punjab National Bank. Syndicate Bank into the Canara Bank. Andhra Bank and Corporation Bank into Union Bank of India. Allahabad Bank into India Bank. So, is consolidation ke baad, there we have now 7 large public sector bank and 5 smaller one. 2017 ke bhi kuch datas inhone publish ki hai that there was many as 27 public sector bank in 2017, lekin abhi ye 12 ho chuke hai. Next we have indices, committee, report, organization section, in which we are going to cover food and agriculture organization from the Hindu. Basically, hum pehle iska context dekhte hai ki kis context mein ye abhi hum isko padh rahe hai. So the first is ki recently 75 years ke commemorative event pe Prime Minister ne ek coin ko launch kiya hai. That's why ye news mein hai recently. Kuch aur jante hain FAO ke bare mein. Basically kya hai, ye ek oldest permanent specialized agency hai United Nation ki, jo establish hui thi 1945 mein. So because of that 75 years abhi recently complete hue, is wajah se Prime Minister ji ne ek coin ko launch kiya hai. So permanent specialized agency, ye jo permanent specialized agency hoti hai, basically ye work karti hai United Nation ke under, but it operate autonomously. This is a very important point that it operate autonomously under the UN umbrella. Ab iske objectives samajhte hain. FAO ke objectives kya kya hain? Objectives agar hum dekhe to iske objectives basically kya hai? Eliminate hunger and improving nutrition and standard of living by increasing agricultural productivity. So few points you have to keep in your mind. Eliminate hunger, improve nutrition and standard of living by increasing agricultural productivity. Ye basically countries ki jo policy hoti hai regarding food and nutrition ke level pe, ye unko bhi draw karne mein help karte hain. Agriculture section mein bhi ye help karte hain. So kuch aur bhi organization hai jo UN based hain, like FAO ke saath saath IFAD, that is International Fund for Agriculture Development, and World Food Program. Ye bhi global and country level pe work karti hain to eliminate hunger or improve the nutrition and poverty in sustainable way. So in organization ke bare mein bhi hum log kuch samajhte hain. Basically FAO ke bare mein humne jaan liya. International Fund for Agriculture Development ke bare mein hum dekhte hain. IFAD basically financing provide karta hai rural areas mein, jo bhi hunger se related jitne bhi project hote hain unko finance kaun karta hai? IFAD karta hai. FAO kya karta hai? Basically it helps the country to draw up the policy and change legislation to support sustainable agriculture. World Food Program, basically World Food Program ka main objective kya hota hai? World Food Program un kshetra mein kaam karte hai jahan pe emergency ki situation hoti hai, kyunki wahan ke log zyadatar log jo hote hai wo malnutritioned hote hai ya bahut severely affected hote hai. So that's why isko dhyan rakhne ki zarurat hai. Aur ek aur reason hai jiske wajah se ye bahut news mein hai, bahut important ban jata hai, because World Food Program ko recently Global Peace Prize, Nobel Peace Prize diya gaya hai. That's why ये news में, और इसको आपको ध्यान रखने की जरूरत है. इनके कुछ aims हम देख लेते हैं. इसका aim basically क्या है? Raise level of nutrition and standard of living, secure improvement in food production and distribution, better condition in improve the condition of rural people, contribute toward an expanding world economy and ensure freedom from hunger. FAO basically कुछ awards भी देता है biennially. इन अवार्ड्स को हम देख लेते हैं. बी आर सेन अवार्ड बेसिकली फॉर द रिकॉग्निशन ऑफ आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस ऑफ द फील्ड ऑफिसर्स ड्यूरिंग कंट्री असाइनमेंट. बेसिकली अगर ये सेन अवार्ड को हम देखें तो ये आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस ऑफ फील्ड ऑफिसर्स को दिया जाता है. बोएर्मा अवार्ड अगर हम देखें, दिस इज फॉर द जर्नलिस्ट हु स्टीयर्ड अ पब्लिक अटेंशन टुवर्ड द फूड सिक्योरिटी टॉपिक्स.
एडवर्ड सोमा अवार्ड देखते हैं अगर हम, तो दैट इज फॉर द इंस्टीट्यूशन के लिए दिया जाता है दैट हैव क्रिएटेड द ट्रू इम्पैक्ट इन द एफिशिएंट एग्जीक्यूशन ऑफ एफएओ प्रोजेक्ट. ड्यूऑफ अवार्ड, जैक्स ड्यूऑफ अवार्ड अगर हम देखें, इट इज यू नो गिवन टू बेस्ट कंट्रीब्यूशन टू द ग्लोबल फूड सिक्योरिटी. ये सारे जो नाम आप देख रहे हैं बेसिकली दे आर द डायरेक्टर जनरल ऑफ एफएओ. सो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल आपको पता है सारे और बहुत सारी चीजों को इंक्लूड करता है. उसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल सेकंड जो है बेसिकली उसका ऑब्जेक्टिव है एंड हंगर, अचीव फूड सिक्योरिटी एंड इम्प्रूव इम्प्रूव न्यूट्रिशन एंड प्रमोट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर. सो दिस इज वॉट वी हैव इन एफएओ सेक्शन. नेक्स्ट वी हैव ग्लोबल हंगर इंडिया एंड द ग्लोबल हंगर इंडेक्स. इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है आपको ये ध्यान रखना है कि ये बेसिकली निकालता कौन है, कौन पब्लिश करता है इसको. सो ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 पीयर रिव्यू रिलीज एनुअली बाई आयरिश एड एजेंसी कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड जर्मन ऑर्गेनाइजेशन है वेल्थ हंगर इंडेक्स, वेल्थ हंगर लाइफ जो इसको रिलीज करते हैं. सो ध्यान रखिए कि कौन कौन रिलीज करता है, कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड वेल्थ हंगर लाइफ. लेट्स नो समथिंग अबाउट इट, क्या है इस रिपोर्ट में. अगर हम इस रिपोर्ट की स्टडी करें तो बेसिकली हम पाते हैं कि इंडिया का जो स्कोर है वो इम्प्रूव हो रहा है लेकिन इंडिया की रैंक डिग्रेड हो रही है. इंडिया बांग्लादेश पाकिस्तान नेपाल श्रीलंका इनसे भी नीचे है. इंडिया की इस बार रैंक है 94 आउट ऑफ 107 कंट्रीज में से हमारी रैंक है 94 और इंडिया के जो स्कोर है दैट इज 27.2. स्कोर और रैंक में वाइसी वर्सा रिलेशन होता है बेसिकली. स्कोर अगर आपका ज्यादा है तो आपकी रैंक ज्यादा होगी और अगर स्कोर आपका कम है तो आपकी रैंक अच्छी होगी. तो इसको ध्यान रखने की जरूरत है. इंडिया की, इंडिया का जो कैटेगराइजेशन है बेसिकली इंडिया सीरियस लेवल ऑफ हंगर में कंट्रीज में आता है. सीरियस लेवल ऑफ हंगर कंट्रीज में इंडिया को रखा गया है. सो अगर हम देखें तो बेसिकली लास्ट ईयर अगर इंडिया की रैंक देखें तो इट वाज 102 आउट ऑफ 117 कंट्रीज लेकिन दिस ईयर वी हैव 94th रैंक पे है. वी आर एट 94th आउट ऑफ 107 कंट्रीज. 107 कंट्रीज में केवल 13 कंट्रीज ऐसी हैं जिन्होंने इंडिया से खराब परफॉर्म किया, इंडिया से वर्स्ट परफॉर्म किया, अदरवाइज सारे जो कंट्रीज हैं उन्होंने अच्छे परफॉर्म किए हैं. इन 13 कंट्रीज में कुछ कंट्रीज हैं लाइक रवांडा, नाइजीरिया, अफगानिस्तान, इन चाड, ये सारे कुछ कंट्रीज हैं जिनको आप ध्यान दे सकते हैं. लेट्स नो समथिंग अबाउट व्हाट इज ग्लोबल हंगर इंडेक्स. बेसिकली इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इट मेजर्स एंड ट्रैक हंगर एट ग्लोबल रीजनल एंड नेशनल लेवल पे एंड द रीजन इज टू अचीव जीरो हंगर बाई 2020. इनका ऑब्जेक्टिव है जीरो हंगर बाई 2020. सो बेसिकली ये हंगर को ट्रैक करने के लिए है, न्यूट्रिशन इम्प्रूवमेंट को ध्यान को ट्रैक करने के लिए है. इनके पैरामीटर्स क्या है, बेसिकली इनके जो पैरामीटर्स हैं, इनके जो पैरामीटर्स हैं वो फोर पैरामीटर्स हैं एंड दैट फोर पैरामीटर्स आर That four parameters are undernourishment. इसमें basically क्या है आपका insufficient calorie intake के बारे में बात कर रहे हैं हम. Child wasting basically क्या है, children under 5 who have low weight for their height, जिनका weight कम है in comparison to their height, which reflects acute undernutrition. इंडिया सबसे वर्स्ट इसी कैटेगरी जो है, ये जो पैरामीटर है इस पर सबसे खराब इंडिया परफॉर्म करता है. चाइल्ड वेस्टिंग, चाइल्ड स्टैंडिंग बेसिकली चिल्ड्रेन अंडर 5 हु हैव लो वेट फॉर देयर आई. चाइल्ड स्टैंडिंग में क्या होता है, लो वेट फॉर देयर एज रिफ्लेक्टिंग क्रॉनिक अंडर न्यूट्रिशन. चाइल्ड मोर्टिलिटी, चाइल्ड मोर्टिलिटी अंडर 5 ईयर्स ऑफ एज. सो बेसिकली ये इंडेक्स जो है पॉपुलेशन के न्यूट्रिशन सिचुएशन के साथ ही चिल्ड्रंस के स्पेसिफिक इंडिकेटर का भी यूज करता है. काफी जो डेवलप्ड कंट्रीज होते हैं, न्यूट्रिशन सिचुएशन ऑफ द पॉपुलेशन एज अ होल बाय द इंडिकेटर स्पेसिफिक टू चिल्ड्रन रिफ्लेक्ट द न्यूट्रिशन स्टैंडर्ड विद इन अ पर्टिकुलर वल्नरेबल सबसेट ऑफ पॉपुलेशन फॉर होम द लैक ऑफ डायट्री
एनर्जी, प्रोटीन और माइक्रोन्यूट्रिएंट लीड टू अ हाई रिस्क ऑफ इलनेस, पुअर फिजिकल कॉग्निटिव डेवलपमेंट एंड डेथ. सो बेसिकली ये एक्यूट स्टंटिंग अलाउ, इंक्लूजन ऑफ बोथ चाइल्ड वेस्टिंग और चाइल्ड इन स्टंटिंग अलाउज द ग्लोबल हंगर इंडेक्स टू डॉक्यूमेंट बोथ एक्यूट और क्रॉनिक अंडर न्यूट्रिशन. एक्यूट के लिए हम लोग वेस्टिंग को टारगेट करते हैं और क्रॉनिक अंडर न्यूट्रिशन के लिए हम लोग स्टंटिंग को टारगेट करते हैं. अब हम देखते हैं कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स नॉट कैलकुलेटेड फॉर द हाई इनकम कंट्रीज. क्यों नहीं कैलकुलेट किया जाता है हाई इनकम कंट्रीज के लिए, ये हम देखते हैं. बेसिकली हाई इनकम कंट्रीज में क्या होता है कि हंगर जो होता है वो बहुत कम होता है. इसके वजह से वहां पे क्या होता है कि डेटाज उनके वो कलेक्ट नहीं करते. दैट्स व्हाई दे यूज जनरली कि वो कैलकुलेट नहीं करते हैं ग्लोबल हंगर इंडेक्स. इस वजह से जो ज्यादा डेवलप्ड कंट्रीज है वहां पे ग्लोबल हंगर इंडेक्स को कैलकुलेट नहीं करते हैं. इसका मेन ऑब्जेक्टिव अगर हम इसकी डिजाइनिंग को समझने की कोशिश करें तो बेसिकली इट इज द हंगर, हंगर के अगेंस्ट जो स्ट्रगल है उसको बढ़ाने के लिए. कंट्रीज के बीच में हंगर लेवल को कंपेयर करने के लिए ग्लोबल हंगर इंडेक्स को हम यूज कर सकते हैं. और जो एरिया में रिसोर्सेज कम है या जो इक्विटी है रिसोर्सेज की, उसको कंपैरिजन के लिए हम लोग ग्लोबल हंगर इंडेक्स को यूज कर सकते हैं. एज वी नो दैट द पॉलिसी मेकिंग्स में भी ये सारे इंडेक्सेस हमारे यूज होते हैं. रिसेंटली इस स्टडी में ये देखा गया है कि जो सस्टेनेबल गोल 2 है हमारा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2 है, वो ट्रैक पे नहीं है. हमको जिसको अचीव करना है 2030 तक, वो एक ट्रैक पे नहीं है और लगता भी नहीं है कि वो हम यू नो टारगेट को अचीव कर पाएंगे. ये स्टडी जो थी वो बेसिकली पैंडेमिक के पहले की थी और पैंडेमिक के आने के बाद हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि इसकी जो यू नो जो अचीवमेंट है वो हमारा और वर्स होगा और खराब होगा. हम इस टारगेट को हम बेसिकली अचीव नहीं कर सकते हैं. सो हम Now let's talk about India and its global hunger index score. इसके बारे में हम बात करते हैं, इंडिया और ग्लोबल हंगर इंडेक्स के यू नो स्कोर्स के बारे में हम समझते हैं. बेसिकली ऐसा क्यों है कि और कंट्रीज जो है वो हमसे ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, इंडिया उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा है. रीजन क्या है? वट इज द रीजन? रीजन इज दैट इंडिया हैज इम्प्रूव्ड इट्स चाइल्ड स्टंटिंग, चाइल्ड मोर्टैलिटी एंड चाइल्ड What are the parameters? Child stunting, child mortality and undernourishment. But ये worse हो रहा है child wasting की situation में. So जब जो ये parameter है इसके worse होने की वजह से India की जो performance है वो degrade हो रही है, वो improve नहीं हो पा रही है. India ने सारे में India has improved its score, but many others have done more. That's why India is ranked so low. This is what in, we have in this section. आपको इसमें ध्यान रखना है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स के पैरामीटर्स क्या है. एक्यूट और क्रॉनिक के बारे में हमने बात की, आप उसे ध्यान रखिए. इस इंडेक्स ये जो स्कोर्स हैं उसका रैंक पे क्या इफेक्ट होता है, इंडिया की रैंक क्या रही है इस बार, कौन पब्लिश करता है, दिस इज ऑल व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड. किस क्या रीजन है कि इंडिया बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा है इस क्षेत्र में, आप इसको ध्यान रखिए. Next, we have scheme, policies, initiative and social issues. In this section, we are going to cover Kala Sanskriti Vikas Yojana. In this section, basically, Kala Sanskriti Vikas Yojana kya hai? Ye scheme hai cultural ministry ki to promote art and culture in the country and has many sub-schemes which provide financial assistance to cultural organizations. Aur, और रिसेंटली क्या हुआ है, इसी में अभी मिनिस्ट्री ने गाइडलाइन इशू की है कि आर्टिस्ट ऑनलाइन मोड के इवेंट में भी गवर्नमेंट स्कीम का बेनिफिट ले सकता है ड्यू टू COVID-19 इफेक्ट. सो बेसिकली इट इज अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम. दिस इज व्हाट इन दिस सेक्शन. लेट्स नो कल्चरल मिनिस्ट्री इशूड गाइडलाइन फॉर होल्डिंग इवेंट इन ऑनलाइन मोड अलाउइंग आर्टिस्ट टू टेक बेनिफिट ऑफ गवर्नमेंट स्कीम्स इवन इफ दे आर अनेबल टू होल्ड सच प्रोग्राम इन फिजिकल सेटिंग ओइंग टू COVID-19 पैंडेमिक. कुछ और पॉइंट्स हम देखते हैं. बेसिकली दिस गाइडलाइन इंश्योर कंटिन्यूड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू आर्टिस्ट एंड हेल्प देम टू टाइड ओवर द प्रेजेंट क्राइसिस. विकास कला संस्कृति विकास योजना बेसिकली क्या है, एक अम्ब्रेला स्कीम है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर
फॉर द प्रमोशन ऑफ आर्ट एंड कल्चर इन द कंट्री. ये फाइनेंशियल असिस्टेंस भी कुछ ऑर्गेनाइजेशन को प्रोवाइड करती हैं जिससे वो और बेहतर परफॉर्म कर सके. दैट इज स्कीम फॉर, सब स्कीम्स हम देख लेते हैं. स्कीम्स फॉर फाइनेंशियल असिस्टेंट फॉर प्रमोशन ऑफ आर्ट एंड कल्चर, रिपर्टरी ग्रांट. रिपर्टरी ग्रांट बेसिकली क्या होता है? इन दिस ग्रांट ट्रेनिंग ऑफ आर्टिस्ट जो होते हैं, जो ट्रेनिंग आर्टिस्ट को जो ट्रेनिंग दी जाती है बेसिकली, दैट वॉज गिवन बाई देयर रिस्पेक्टिव गुरुज एंड परफॉर्मेंस ऑफ द कल्चरल एक्टिविटी मे बी कंडक्टेड ऑनलाइन. स्कीम ऑफ फाइनेंशियल असिस्टेंट फॉर प्रमोशन आर्ट एंड कल्चर, फाइनेंशियल असिस्टेंट बेसिकली कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन को फॉर नेशनल प्रेजेंस, विद नेशनल प्रेजेंस. नेक्स्ट सब स्कीम इज स्कीम फॉर फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर प्रमोशन ऑफ आर्ट एंड कल्चर. बेसिकली दिस इज फॉर द कल्चरल फंक्शन एंड प्रोडक्शन ग्रांट. नेक्स्ट वी हैव सब स्कीम, दैट इज स्कीम फॉर फाइनेंशियल असिस्टेंट फॉर प्रमोशन ऑफ आर्ट एंड कल्चर. इसका मेन ऑब्जेक्टिव है फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर द प्रिजर्वेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ द कल्चरल हेरिटेज ऑफ द हिमालयाज. हिमालयाज के लिए स्कीम दी गई है. नेक्स्ट सब स्कीम वी हैव स्कीम फॉर फाइनेंशियल असिस्टेंट फॉर प्रमोशन ऑफ आर्ट एंड कल्चर. फाइनेंशियल असिस्टेंस बेसिकली फॉर द बुद्धिस्ट तिब्बतन आर्ट एंड कल्चर. सो दिस इज वॉट यू नीड टू कीप इन योर माइंड कि रिसेंटली क्या गाइडलाइंस दी गई हैं, कौन कौन से इनमें सब स्कीम्स हैं, इसको ध्यान रखिए. सो दिस इज वॉट वी हैव इन टूडेज सेक्शन. सी यू टुमारो. थैंक यू फ्रॉम टीम मलुका आईएएस.